शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पायल जी, मम्मी जल्दी आओ बेटा, खाना खा लो। जी मम्मी, अभी आई। हाँ धोए? हाँ, जल्दी से खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। वाओ, थैंक यू मम्मी। बेटा ऐसे नहीं खाते हैं। मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है। धीरे धीरे खाने से भी ना पेट भर जाता है। ठीक है मम्मी। पता है मम्मी, आज ना मेरी दवाई खत्म हो गई, तो मैं दवाई नहीं खा पाई। जब मैं खेल रही थी ना तो मुझे चक्कर आने लगे। बेटा मैं तेरी दवाई जरूर लाऊंगी। मम्मी मैं भी आपके साथ बड़े साहब के घर चलूँ, मुझे वहाँ पे खेलने में बहुत मजा आता है। जरूर लेकर चलूंगी, लेकिन आज नहीं, संडे को। पहले खाना खाओ। और भाई कहाँ जाने की तैयारियाँ हो रही है? पापा पता है इस संडे ना मैं भी बड़े से आपके घर जाऊंगी मम्मी के साथ। अरे वाह, ठीक है चली जाना। चलो मम्मी, मेरा पेट भर गया, अब मैं खेलने जा रही हूँ। संभाल के बेटा। प्यारी बच्ची है ना, ऐसा लगता ही नहीं कि ये अपनी बच्ची नहीं है। बात तो आप सही कह रहे हैं, देखते देखते कैसे समय बीत गया ना, पूरे 20 साल हो चुके हैं हमें। अगर मैं उस रात पायल को नहीं लाती तो ना जाने उसका क्या होता। और खैर ये सब छोड़िए, पायल को कभी नहीं पता चलना चाहिए इस बारे में, वरना ना जाने हमारी बच्ची पर क्या बीतेगी। अच्छा सुनो ना, एक बात कहूँ? बोला। तुम ना ही रोज़ शराब पीकर मत आया करो। पायल अब बड़ी हो गई है, वो ये सब देखेगी तो कैसा लगेगा उसको? हमारी बच्ची और बच्चों जैसी भी तो नहीं है ना। आरती तुम न्याय घूम फिर के शराब पर मत जाया करो। जब देखो तब शराब मत पियो, शराब मत पियो। अरे नहीं छोड़ना शराब मुझे, तुम्हें रहना है रहो, नहीं रहना है भाग जाओ। शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो। नहीं छोड़नी शराब। मैं क्या झाड़ती रही। इतनी देर कैसे हो गई? जी वो घर में काम था तो उसी में देरी हो गई। जाओ एक अच्छी सी चाय लेके आओ। जी साहब, चाय। कैसी है चाय? ठीक है साहब, आपसे एक काम है हमें। क्या? मुझसे क्या काम है? वो बेटी की दवाई लेनी है, उसके लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। जी जी गुप्ता जी, अरे मैं कह रहा था कि वो मेरा ये डील बहुत दिनों से फंसा हुआ है, ये क्लियर करा देते हैं, लाखों रुपए अटके पड़े हैं इसी में। जी 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 हाँ मैं करवा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ बाकी सब ठीक है। हाँ ठीक है रखते हैं।
पैसा चाहिए ना तुम्हें, हम देंगे ना चाहे जितना। क्या हुआ अगर तुम्हें थोड़ा सा टच कर लिया तो? साहब आप हमें गलत समझ रहे हैं, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मेरे संस्कार वैसे नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं, और ये गलत है। पति क्या करता है तुम्हारा? कुछ नहीं करता, दिन भर शराब पीता है और शराब के लिए तो वो कुछ भी कर सकता है। अरे फिर तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी ना, पति भी कुछ नहीं करता, तुम्हें खुश भी नहीं रखता, मैं रखूंगा ना तुम्हें खुश। बिल्कुल वैसा ही किया जैसा सिखाया था, बिल्कुल अच्छी एक्टिंग की, पहले से काफी अच्छी एक्ट्रेस हो गई हो। तुम्हारे साथ सो रहे हैं तो कहीं तुमको ऐसा नहीं लग रहा है ना कि हम तुमको रानी बना के रखेंगे और तुम हमारे पे हक जताओगी? नहीं सर, हमने ऐसा नहीं सोचा। हाँ नहीं सोचा है तो बहुत बढ़िया सोचा है, नौकरानी हो और नौकरानी बन के रहो। अच्छा मुझे किसी काम से बाहर जाना है, रात को लेट आऊंगा, तो सुनो जब तक हम आ ना जाए घर छोड़ कर जाना मत। जी भगवान मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे ये सब अपनी बच्ची के इलाज के लिए करना पड़ रहा है, और इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो आइस क्यूब लेने आ गया। अरे तो आपने मुझे बता दिया होता, मैं ले आती। अरे कोई बात नहीं, मैं आ गया। इस बहाने तुमसे दो बातें हो गई। तो ये बताओ महीने का कितना कमा लेती हो? हमने थोड़ा बहुत हो जाता है, खर्चा निकल आता है बस। देखो और पैसे चाहिए मुझे बताओ, जितने चाहिए मैं दूंगा। तुम मुझे बस। नहीं साहब, आप जैसे समझ रहे हैं मैं वैसी नहीं हूँ। आप चलिए मैं बर्फ लेके आती हूँ। ले बेटा दवाई पी। नहीं मम्मी, ये दवाई बहुत कड़वी है। लेकिन दवाई तो पीनी पड़ेगी ना, वरना फिर से चक्कर आने लगेंगे। ले पी। मम्मी अब मैं सोने जाती हूँ। अरे गुड न्यूज है मेरे भाई। क्या गुड न्यूज है भाई? तेरी एक डील क्लियर करा दी है मैंने। क्या बात कर रहा है? देख ले। सच में? हेलो
हेलो बेटा, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? अच्छा हूँ बेटा, आप? अरे हाँ यार, तुझे पता है इस डील के लिए मैंने लाखों रुपए खर्च किए थे। नहीं, थैंक यू भाई। ये क्या हुआ मैडम, ये कैसा निशान है? ये तो बहुत पुराना निशान है, बचपन में गिरने की वजह से चोट लग गई थी, बस उसी का। ठीक है, चल भाई मैं चलता हूँ। अरे अभी कहाँ? बस क्लाइंट से मिलने जाना है। अरे ऐसे कैसे यार, देख इस डील की पार्टी तू जैसे कहेगा ना वैसे ही होगी। पक्का, मिलना जल्दी, ठीक है? चल चल, बाय बाय। बाय अंकल। बाय बाय। हेलो अंकल, गुड मॉर्निंग। एक कप चाय लेके आओ। जी। सुनो, कमरे में आओ। पायल है? चुपचाप अंदर आओ। पायल बेटा। जी मम्मी। बेटा इधर आओ, तुम गार्डन में जाके खेलो, मैं सफाई करके आती हूँ, ठीक है? जी मम्मी। सुनो बेटा, कमरे की तरफ मत आना, साहब नाराज हो जाएंगे। मैं जल्दी काम निपटा के बाहर आती हूँ, ठीक है? ठीक है मम्मी। एक बार में बात मान लिया करो, समझी? मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। साहब वो डर लगता है कि कहीं पायल को पता ना चल जाए। अरे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये मैं सोचता कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक हो, तुम जैसी पचासों को पाल सकता हूँ मैं। मुझे तुम्हारे नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए आगे से इंतजार मत करवाना अब। जी सर, आगे से नहीं होगा। अरे तुम बार बार पायल को क्यों लेके आ जाती हो यहाँ पर? वो जब भी आती तुम्हारे नखरे शुरू हो जाते हैं। इतना खुश हो के क्या बताऊं, तूने दिन बना दिया मेरा। अरे पैक तो बना, ले लो मार्केट से फ्रूट ले आओ। बहुत रात हो गई है। इतनी भी क्या रात हो गई, जाओ ले जाओ। जाओ ले आओ। जी। ये इतनी रात को इस बच्चे को कहाँ लेके जा रही हो? अकेले जाओ। बेटा तुम अंदर जाओ। अंकल आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे आ गया था। अच्छा अच्छा, एक बात बता, तुम्हारा नाम क्या है? पायल। बहुत प्यारा नाम है। तुम्हें चॉकलेट्स पसंद है? मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। पसंद है? तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगा और गिफ्ट्स भी। चलें। अगर मैं तेरी सारी फंसी हुई डील क्लियर करा दूं तो? क्या बात कर रहा है, जहां बोलेगा मैं वहां पार्टी दूंगा, जितनी बड़ी बोलेगा। अबे नौकरानी की बेटी का क्या करेगा तू? साहब पायल कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। मुझे कुछ काम है तुमसे, अंदर आओ। प्लीज साहब आज कुछ मत कीजिए, हाँ जाने दीजिए ना। अरे आज कुछ करने के लिए नहीं, तुमसे बात करने के लिए बुलाए। वो बाहर जो बड़े साहब है ना, उनको तुम्हारी बेटी पायल बहुत पसंद आ गई। तुमको 10 लाख रुपए देंगे, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। बस एक रात के लिए पायल को उस बड़े साहब के यहाँ भेजना। बिल्कुल नहीं, मैं पायल को कहीं नहीं भेज सकती,
मैं ऐसा सोच तक नहीं सकती हूँ, आप उन सबको मना कर दीजिए। अरे समझो ना बात को, वो इतने पैसे देंगे जो तुमने कभी देखे नहीं होंगे। आप उन साहब को बोलिए कि 5 लाख मुझे दे दे, मैं सब कुछ करूंगी पायल की जगह, लेकिन पायल नहीं। ठीक, हम पूछ के बताते हैं उनको। लेकिन वो कह रहे कि वो अपनी बेटी को नहीं भेजेगी, वो खुद आएगी। अरे लेकिन तू तो कल कह रहा था ना कि किसी से सेटिंग करवा दे, तब मिल रही है तुझे। भाई जब ये चाहिए थी तब तूने कुछ करवाया, अब इसकी बेटी चाहिए थी इसकी बात कर रहे हैं ना। तो मुझे ये तो यही चाहिए, तभी तेरी सारी डील क्लियर होंगी, वरना नहीं होंगी। बासु, अगर तेरी वजह से मेरी एक भी डील कैंसिल हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोग को चाहे कितना बढ़िया मौका दे दो, लेकिन बात भेजे में घुसते नहीं है। अब जा, जाके अपनी बेटी के साथ रहे। अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ।